खबर पीलीभीत पूरनपुर से है, जहां विद्युत डिवीजन कार्यालय के समस्त कर्मचारी जिले पर चल रहा धरना प्रदर्शन में शामिल हो गए। इस दौरान आपको बता दें, जहां एक ओर विद्युत कर्मचारियों की हड़ताल चल रही, तो वहीं दूसरी ओर लोगों को अंधेरे में अपना जीवन बिताना पड़ रहा है। लोगों का आरोप है, इससे पहले सरकार के द्वारा कोटे पर मिट्टी का तेल दिया जाता था, जिससे लोग अपने घर में दिया और डिब्बी जलाकर ही काम चला लेते थे। पर अब सरकार के द्वारा कोटे पर मिलने वाले मिट्टी तेल को भी बंद कर दिया गया और बिजली विभाग के कर्मचारी हड़ताल पर है। ऐसे में तहसील क्षेत्र के समस्त गाँव सहित नगर में भी अंधेरा कायम है, जिसके चलते लोगों को अंधेरे में ही खाना खाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, लोगों के घरों में अंधेरा और पानी की किल्लत भी सता रही है। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि न जाने कब तक हड़ताल चलेगी और लोगों को अंधेरे में रहना पड़ेगा। आवाज दो, ऊर्जा मंत्री होश में आओ, ऊर्जा मंत्री होश में आओ, देवराज होश में आओ, बिजली कर्मी से जो टकराएगा, बिजली कर्मियों से जो टकराएगा। पूरे देश के 22 लाख बहादुर बिजली कर्मचारियों और इंजीनियरों के नाम मेरी यह अपील है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश के बिजली इंजीनियरों के आंदोलन को अलोकतांत्रिक ढंग से कुचलने का फैसला लिया है, उसके कदम उठाए जा रहे हैं। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के जो 22 पदाधिकारी हैं मेरे नेतृत्व में, उनके सबकी गिरफ्तारी के आदेश कर दिए गए हैं एस्मा के तहत, और हम लोग इसके लिए तैयार हैं। मैं अभी एक घंटे के अंदर अंदर लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं और संभवतः वहीं से मुझको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन हम कोई अपराधी नहीं है, हम एक उद्देश्य के लिए लड़ रहे हैं, निजीकरण के खिलाफ। देश की परिसंपत्तियां कौड़ियों के मोल कारपोरेट घरानों को न सौंपी जाए, और उत्तर प्रदेश में तो यह लड़ाई महान ऊर्जा मंत्री के साथ हुई लिखित समझौते को लागू करने के लिए हो रही थी। इसी अपराध की हमें इतनी बड़ी सजा दी जा रही है। हम निर्भयता से इस संघर्ष को कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के बिजली कर्मचारियों से, देश के बिजली कर्मचारियों से मेरी यह अपील है, बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से, कोई हिंसा का सहारा नहीं लेना। यह आंदोलन सारे देश में चलते रहना चाहिए। हम लोग जेल में रहेंगे, उत्तर प्रदेश के बिजली कर्मी सामूहिक रूप से अपनी गिरफ्तारियां देना प्रारंभ कर देंगे और पूरे देश में इस आंदोलन को चलाया जाए। हम किसी भी कीमत पर सार्वजनिक प्रतिपत्तियों को निजी हाथों में नहीं जाने देंगे। इनकलाब जिंदाबाद।